हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं 8 प्लेट वड़ा पाव ईटिंग चैलेंज। फ्रेंड्स 8 प्लेट वड़ा पाव तो दिख ही रहा है आपको, बीच में पनिशमेंट भी दिख रहा है। फ्रेंड्स मैं इसको बहुत दिनों से बोल रहा था केला खत्म करो ना, हाँ, ये बोल रहे थे कितने झूठे हैं। मैं दो दिन से इनके पीछे पड़ी थी, केला खा लो खराब हो जाएगा खा लो। अरे स्ट्रैटेजी, आज जो हारेगा उसको मतलब एकदम से तो अभी नहीं बोल सकते कि गल गया है केला, बट हल्का हल्का गले गया है। ऊपर का छिलका खराब हुआ है, अंदर का ठीक है। नहीं, अंदर का मटेरियल अभी खोल के दिखाऊंगा तो एकदम फिट एंड फाइन है, सिर्फ बाहर का जो छिलका है थोड़ा खाने के बाद ये खाएंगे थोड़ा गड़बड़ हो गया। फ्रेंड्स जो हारेगा ना, ये छिलका हेल्प करेगा उसको वड़ा पाव हजम करने में। ऐसा बोलो ना, मैं हारूंगा इसको खाऊंगा। अरे फ्रेंड्स मैं एक बार खा चुका हूँ पहले भी, आज ये सड़ा हुआ छिलका प्राची खाएगी और केले मैं खाऊंगा। बंदर हो ना। फ्रेंड्स इसको रखते हैं फिलहाल साइड में। फ्रेंड्स वड़ा पाव एकदम टेस्टी बना है और बड़े भी एकदम बड़े बड़े बने हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ गया, चटनी इल्ले, आज चटनी अनअवेलेबल है। बिना चटनी के खाना मजा आएगा इसको हराने में और केला का छिलका इसे देने में। हाँ, देखते हैं किसके पास जाता है। आपको तो उसकी आदत पड़ गई है खाते खाते। अरे फ्रेंड्स एक बार खाया हूँ, आज दोबारा नहीं खाना है। फ्रेंड्स हम लोग अपना खाना स्टार्ट करें उसके पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यस फ्रेंड्स, सो ऑन द काउंट ऑफ 3 हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 टूट पड़ो।
ईमानदार साहब अब आ मुझे लगा खत्म हो गया इसका। फ्रेंड्स, चार वड़ा पाव खाने में हालत सच में खराब हो गई। क्या बोलती हो? नहीं फ्रेंड्स, और मजे की बात क्या है, वड़ा पाव खाने के बाद अगर कच्चा सॉरी सड़ा हुआ केले का छिलका मिल जाए खाने के लिए तो सोने पे सुहागा। मैं सोचे जाने खाऊंगी केले का छिलका। फ्रेंड्स मिलते हैं प्राची के पनिशमेंट राउंड में। वड़ा पाव सच में भारी पड़ गया। Yes, friends, friends, वड़े का साइज इतना बड़ा था ना, हालत खराब हो गई थी खाते खाते। फ्रेंड्स चलते हैं प्राची का पनिशमेंट राउंड में। फ्रेंड्स आके प्राची का पनिशमेंट राउंड में। थोड़ा सही बस था मेरे हाथ में, काश वो भी मुंह में चला गया होता ना, देखते फ्रेंड्स। लेकिन आज थोड़ा सा मैं गेम खेल गया, मुझे इसका कैपेसिटी पता है, इसका कैपेसिटी है 3 वड़ा पाव खाने का मैक्सिमम। वो भी आज पाव का भी साइज बड़ा था, वड़ा का भी साइज काफी बड़ा था। नहीं, 4 में आधा जो था वो सही था, लेकिन बाकी का जो था वो ना अंदर जा रहा ना बाहर। 3.5 तो इजीली खा ली गई, मतलब दबते दबाते, लेकिन खत्म करते करते हालत खराब। आराम से खा ली थी आपसे पहले। नहीं नहीं, लेकिन फ्रेंड्स मालूम है मुझे पता था मेरा खाने का स्पीड क्या है इसके मुकाबले, तो थोड़ा सा मैं इसी वहीं पर गेम किया, तो बोला 3 ही खा ले जाएगी लेकिन चौथा खाने में इसका हालत खराब होएगा और मैं आराम से दबा ले जाऊंगा। चीटिंग से जीते हैं फ्रेंड्स, नहीं नहीं पनिशमेंट कैंसिल। फ्रेंड्स थोड़ा सा चीटिंग हुआ है जो मेरी तरफ से हुआ है। हाँ। इसके लिए पूरा छिलका खिलाने के बजाय मैं इसको सिर्फ सोच रहा हूँ इतना सा दे दूं। ए यार देखो अंदर का मटेरियल एकदम सही है। रुको चीटर, अबे एकदम सॉफ्ट हो गया है। इनको आज का पनिशमेंट माफ करना चाहिए था। नहीं नहीं फ्रेंड्स, एक्चुअली वड़ा इतना टेस्टी बना था, मैं बोला एक तो मतलब पनिशमेंट ऐसा माफ कर सकते थे उसके बहाने, लेकिन तो तुम हाथ में लेके से दिखा रहे हो। नहीं नहीं, अरे फ्रेंड्स मैं पूरा छिलका खिलाने के बदले सिर्फ इतना ही छिलका खिला रहा हूँ। तो खिलाओ। खिलाओ नहीं, तुम खाओ, ये लो पकड़ो इसको और फटाफट खाओ ये वापस। अरे आराम से खा जाओगे यार, ऐसे चबाना ही तो है। चबा के थोड़ा दिखाओ। ए चबाओ और निगलो, आधा स्टेटमेंट मैंने दिया। इसको छोड़ो उनके मुंह। चलो फटाफट खाओ, टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा, फटाफट खाओ। सच में बंदर हो आप, बंदर छिलका मुझे खिला रहे हो, केला खुद खाओगे? अरे फ्रेंड्स 4 वड़ा पाव के बाद कोई स्पेस ही नहीं बचा है पेट में। चलो फटाफट खाओ और आ करके दिखाओ। कभी केला नहीं लाऊंगी घर में। फ्रेंड्स अच्छा हुआ नारियल नहीं है, नारियल का छिलका खिला था इसको। अरे नहीं मैं और जीत गया रहता आराम से, लेकिन अचानक से वड़ा पाव थोड़ा अटक गया गले में और मुझे छींका, क्या बोलते उसको, अटक जाता तो क्या था, खांसी जो भी था आना स्टार्ट हुआ और फिर वहीं पर मेरी बैट बज गई थी, नहीं तो आराम से हरा देता। अरे वीडियो खत्म करने दो, 100% श्योर वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर छोड़ देना। मिलते हैं अगले वीडियो में सीख पनी एंटरटेनिंग वीडियो के साथ। लव यू, बाय।